वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि फैंटी टॉफी किस तरह से खाई जाती है, और आज मैं आपको कैंडी लैंड की फैंटी टॉफी का रिव्यू देने वाला हूँ। चलें जी हम स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास जो है एक बन कैंडी लैंड फैंटी कैंडी है, और अब मैं इसे ओपन करने जा रहा हूँ। दिखने में तो बड़ी अच्छी लग रही है, ऑरेंज कलर की है ये छोटी सी। एक दौर होता था ये ना बहुत ज्यादा बड़ी होती थी, इसका जो साइज तो बड़ा होता था। अब तो इनके जो जमाना चल रहा है वो सामने ही है आपके, और ये देखें ये अब मैंने इसे ओपन कर लिया और अब मैं इसे ट्राई करने वाला हूँ। अच्छा अगर हम इनकी देखते हैं पैकिंग पे जाते हैं तो इन्होंने जो है इसके ऊपर कोई वो तो नहीं मेंशन किया हुआ कि इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से हैं जो डाले हुए हैं, लेकिन वैसे इसके अंदर जो है वो ऑरेंज फ्लेवर होता है। अब देखना ये है कि मैं इसे खा के देखने वाला हूँ कि किस तरह से जो है ये मुझे किस तरह से अच्छी लगती है। इसके अंदर जो है वो थोड़ा सा ऑरेंज फ्लेवर का जो है वो टच आ रहा है। ये इनकी जो मार्टन ही होता है उस तरह का, इनकी थोड़ा सा इन्होंने जो है वो फ्लेवर और एसेंस ऐड किया हुआ है उसके अंदर, जो है वो बढ़िया जो है वो लग रही है। वैसे खाने में जो है बड़ा उसका अच्छा जायका लग रहा है, ऑरेंज सा फ्लेवर आ रहा है, थोड़ा सा टच आ रहा है। मैंने ना अब इसे क्रंच किया, थोड़ा सा जो क्रंच करते हैं ना तो जो फ्लेवर है उसके अंदर मजीद इजाफा सा होता है। बाकी इसके अंदर जो है वो स्वीट वगैरह भी जो है वो अच्छी ऐड की हुई है, जो फ्लेवर ऐड किया हुआ है थोड़ा सा टच किया हुआ है ऑरेंज का, वो ही अच्छी है। तो इतना सही है, अब आपने जो है वो इसे खाना है कैंडीलैंड की फैंटी टॉफी को। आपने भी जो है वो कैंडीलैंड की फैंटी टॉफी को ट्राई करना, और बताना है कि आपको जो है वो ये कैंडी कितना की लगी।